वर्ष हम सैकड़ों ऑपरेशन करते हैं और अधिकांश क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं। बहुत कम ऐसे अपराधी हैं जो, खास करके जो पुलिस पर गोली चला देते हैं, जो बहुत ही दुर्दांत किस्म के हैं, उन्हीं के साथ मुठभेड़ होती है जी। तो यूपी एसटीएफ के एडीजी को आप सुन रहे थे कि ये पश्चिमी यूपी में जिसका आतंक था ये मारा गया है और कोशिश यही रहती है कि जो अपराधी होता है, गैंगस्टर होता है, उसको जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन जब वो पुलिस पर गोली चलाता है तो फिर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है और यही मेरठ में हुआ। अब से कुछ देर पहले गैंगस्टर अनिल दुजाना मारा जाता है, यूपी एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पश्चिमी यूपी में इसका लंबे वक्त से आतंक रहा है। पहले ये जेल भी गया, उसके बाद जेल से छूटा और फिर से इसने अपनी गतिविधियां बढ़ाने शुरू कर दी। पर मौजूद लोगों के द्वारा कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन डेथ कंफर्म डॉक्टर ही करेंगे। डॉक्टर्स यूपी एसटीएफ के एडीजी को आप सुन रहे थे कि अनिल दुजाना मारा गया है, अब उसके शव का पोस्टमार्टम होगा, हालांकि डॉक्टर्स जो हैं वो बताएंगे, तो यानी कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन हम आपको बताएं कि अनिल पर 62 मुकदमे दर्ज थे, पश्चिमी यूपी में इसका आतंक था और ऐसे में पुलिस इसको लंबे समय से तलाश रही थी। मेरठ में होने की इसकी सूचना मिलती है, यूपी एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंचती है और सबसे पहले जब अनिल दुजाना अपने आप को घिरा हुआ पाता है तो वो फायरिंग करता है, पुलिस पर फायरिंग करता है और जवाबी कार्रवाई में ये मारा जाता है। ये गैंगस्टर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो एक एक करके जिस तरीके से गैंगस्टर्स का सफाया हो रहा है, हालांकि सवाल ये भी उठेंगे कि मुठभेड़ जब होती है तो गैंगस्टर मारा गया, जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, ये सवाल उठेंगे। लेकिन इस पर यूपी एसटीएफ के एडीजी ने कहा कि अगर जो पुलिस पर वार करेगा, पुलिस पर हमला करेगा तो फिर होगा। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ जी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और कैसे ये पूरा ऑपरेशन होता है, कब सूचना मिलती है, पूरी डिटेल्स आप विस्तार से बताइए। ये एक बहुत ही डेडेड गैंगस्टर है पश्चिम यूपी का, दुजाना गांव थाना बादरपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और इसका असली नाम अनिल नागर है, लेकिन इसे अनिल दुजाना के नाम से जाना जाता था। इसका अभी अभी एसटीएफ टीम से मुठभेड़ हुई है और ये जानकारी हुई है कि मारा गया है। इस पर काफी समय से एसटीएफ काम कर रही थी क्योंकि ये बीच बीच में जेल भी चला जाता था, लेकिन इसके रंगदारी का कारोबार लगातार बना रहता था। बिल्कुल अमिताभ जी, तो बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसके नेटवर्क के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि कोशिश ये रही होगी यूपी एसटीएफ की कि जिंदा इसको पकड़ा जाए। हेलो जी अमिताभ जी, कोशिश ये रही होगी कि जिंदा इसको पकड़ा जाए, तभी इसके नेटवर्क के बारे में और जानकारी मिल पाती। इसके नेटवर्क के बारे में काफी कुछ जानकारी एसटीएफ ने इकट्ठा किया हुआ है और इसका पूरा डोजियर भी है, लेकिन आज इसके साथ मुठभेड़ हो गई और सूचना मिली है कि इसकी मौत हो चुकी है। बाकी डिटेल्स अवेटेड है, डिटेल्स प्राप्त होने पर आगे की जानकारी दूंगा। ठीक है अमिताभ जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कितने बजे ये मुठभेड़ होती है और कितने यूपी एसटीएफ के कितने अधिकारी इस ऑपरेशन में शामिल रहते हैं? ये अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है, जो पहली सूचना आई वो प्रसारित की जा चुकी है, अब आगे जो सूचना प्राप्त होगी उस पर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। ठीक है अमिताभ यश जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यूपी एसटीएफ के एडीजी जिन्होंने कहा कि अब से कुछ देर पहले मुठभेड़ हुई है, शुरुआती जानकारी है, जैसे ही और जानकारी मिलेगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में इसका काफी ज्यादा प्रभाव था, आतंक था, इस पर कई सारे मामले थे जिसमें सबसे अहम था रंगदारी का मामला, और इसके नेटवर्क के बारे में यूपी एसटीएफ को काफी जानकारियां पहले से थी, काफी लंबे समय से इसको लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम काम कर रही थी और ऐसे में अब ये मारा गया है तो ये कामयाबी तो है, लेकिन क्योंकि ये मुठभेड़ इसलिए होती है क्योंकि ये पुलिस पर हमला करता है, मेरठ में होने की इसकी सूचना मिलती है, उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंचती है और ये कई बार पहले जेल गया लेकिन उसके बाद छूट कर गया और लोगों को डराता था। ग्रेटर नोएडा का ये रहने वाला है अनिल दुजाना, जो कि मारा जाता है दुजाना गांव का, और मेरे सहयोगी अमित इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, हम यूपी एसटीएफ के एडीजी से भी बातचीत कर रहे थे, अभी इस मुठभेड़ के बारे में और जानकारियां भी आएंगी, लेकिन कितने ऑफिसर्स इसमें होते हैं यूपी एसटीएफ के, इसके अलावा जो जिन मामलों में ये वांछित रहा था इसमें बड़े कौन कौन से मामले हैं और क्या डिटेल्स मिल रही है इसके बैकग्राउंड को लेकर के, इसके परिवार के बारे में? अमित,
जिस तरीके से अनिल दुजाना का नाम था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा गैंगस्टर था अनिल दुजाना, और उत्तर प्रदेश पुलिस को लगातार उसकी तलाश थी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ की टीम थी लगातार उसके जो नेक्सस था, उसका जो गैंग था, उसको क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही थी। हाल ही के दिनों में हमने देखा था कि किस तरीके से अनिल दुजाना गैंग के सदस्यों को का भी इनकाउंटर किया गया था यूपीएसटीएफ के द्वारा, उसे काफी पकड़ा भी गया था। तो ऐसे में लगातार यूपीएसटीएफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने की कोशिश कर रही थी। 60 से ज्यादा मुकदमे, 62 के आसपास मुकदमे जो है अनिल दुजाना पर दर्ज थे। तो फिलहाल थोड़ी देर पहले मेरठ जिले में अनिल दुजाना की सूचना यूपीएसटीएफ को जानकारी मिली अनिल दुजाना के बारे में, जिसके बाद अनिल दुजाना वहां पर मौके पर अनिल दुजाना को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग पहले अनिल दुजाना की तरफ से की जा रही है। तो और उसके बाद जब यूपीएसटीएफ की टीम ने जब जवाबी कार्रवाई की है, तो ऐसे में अनिल दुजाना ढेर हो गया। ये शुरुआती जानकारी है, थोड़ी देर बाद और भी इस पर डिटेल आएगी कि कौन कौन से। बिल्कुल अमित, वो जानकारी का इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से मुठभेड़ में ये मारा जाता है, गैंगस्टर्स के लिए एक बड़ा संदेश है। यूपी में जो गैंगस्टर्स का सफाया हो रहा है, संदेश ये है कि अगर आप गलत कामों में लिप्त रहते हैं, आप पर इतने मुकदमे दर्ज होते हैं, तो फिर अंजाम क्या होगा ये देख लिया जाएगा। तो मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेरठ में अनिल दुजाना मारा गया है, गैंगस्टर जिस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, यूपीएसटीएफ के साथ मुठभेड़ में यह मारा गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुठभेड़ होती है, अब से कुछ देर पहले यह मुठभेड़ होती है, और अभी जैसे कि हमने यूपीएसटीएफ के एडीजी से बात की, उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में खासकर इसका आतंक रहा है। और दोपहर 2:26 पर यह मुठभेड़ शुरू होती है, यह पुलिस पर जवाबी हमला करता है, उसके बाद पुलिस यहां पर इसको मुठभेड़ में मारती है। हालांकि जो पहले, इससे पहले अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में, अगर हम 7 से 8 सालों का रिकॉर्ड देखें जो मुठभेड़ हुई है, इसमें सवाल ये उठते रहे हैं कि जिंदा क्यों नहीं पकड़ा जाता है, जिंदा अगर पकड़ा जाएगा तो फिर उनके नेटवर्क के बारे में भी जानकारी मिलेगी, लेकिन ये पहले पुलिस पर हमला करते हैं, तो फिर जवाबी कार्रवाई तो यूपीएसटीएफ को करनी थी। अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, जो सवाल उठेंगे वो तो उठते ही हैं, लेकिन एक अहम बात यह है जो सवाल मैं आपसे पहले कर रही थी कि ये एक बड़ा संदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गैंगस्टर्स का सफाया हो रहा है कि अगर आप गलत कामों में लिप्त रहते हैं, आप रंगदारी करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, तो फिर हश्र यही होगा जो अनिल दुजाना का हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आप रंगदारी वसूल करते थे, माफिया टैक्स वसूल करते थे, लगातार जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना और गैंग जो है वो जमीनों पर कब्जा कर रहा था, तो ऐसे में जिस तरीके से बहुत सारे, देखिए फिलहाल 62 मुकदमे बताया जा रहा है कि अनिल दुजाना पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज थे, लेकिन बहुत ऐसे मामले थे जो उसमें लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं पुलिस में आकर मुकदमा दर्ज कराने की। तो ऐसे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो यूपीएसटीएफ लगातार अनिल दुजाना के खिलाफ गैदर कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही आज पुलिस को जानकारी मिली कि मेरठ के इलाके में आने वाला है अनिल दुजाना, उसके बाद पहले से ही वहां पर जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है कि यूपीएसटीएफ की टीम जो है, कई जो यूपीएसटीएफ का अधिकारी जो है वहां पर घात लगा के पहले से ही बैठे हुए थे, और उसके बाद जैसे ही अनिल दुजाना वहां पर मौके पर पहुंचा, सबसे पहले अनिल दुजाना को वार्निंग दी गई कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे, क्योंकि यूपीएसटीएफ चारों तरफ से उसकी घेराबंदी कर चुकी है। लेकिन अनिल दुजाना जिस तरीके से उसका नेचर और जिस तरीके से लोग बातचीत करते थे कि वो बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कभी भी वो फायर कर देता है, तो ऐसे में उसने यूपीएसटीएफ के अधिकारियों पर, जवानों पर भी उसने फायरिंग की, और उसके बाद चूंकि वो चारों तरफ से गिर गया था, तो ऐसे में यूपीएसटीएफ के अधिकारियों ने जब जवाबी कार्रवाई की। बिल्कुल अमिताभ रहिए हमारे साथ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गैंगस्टर अनिल दुजाना को लेकर के जो मारा गया है। और बड़ी बात यह है कि ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय पहले ये जमानत पर रिहा होता है, और उसके बाद जो इस पर मुकदमे, क्योंकि रंगदारी के मुकदमे दर्ज थे, लूट के, हत्या के, अपहरण के 62 मुकदमे दर्ज थे, ऐसे में गवाहों में डर का माहौल था कि ये बाहर आ गया है जेल से तो उनको प्रभावित ना कर दे। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस उन गवाहों को सुनिश्चित कर रही थी कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहां पर रणनीति पुलिस द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि पहले इसके नेपाल भागने की भी आशंका थी, लेकिन अब ये मारा गया है। शलभमणि त्रिपाठी बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शलभमणि जी, इसका मारा जाना, क्योंकि जब ये जेल से बाहर आया तो गवाहों में डर का माहौल था, लेकिन अब ये मुठभेड़ में मारा गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया?